वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अच्छा वकील कैसे चुने, क्योंकि वकील तो सभी अच्छे होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके केस के हिसाब से अपने लिए सूटेबल वकील कैसे चुने। मेरी फर्स्ट टिप ये है कि जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार ना निकालें। अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और एक छोटा मोटा ऑफेंस कर दिया तो उसके लिए आपको एक मर्डर स्पेशलिस्ट क्रिमिनल लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो आपके केस को लाइटली ले, हो सकता है कि उसकी फ़ीस आपको सूट ना करे। मेरी सेकेंड टिप ये है कि आप ऐसे वकील को चुने जो कि आपके केस को सुनकर आपके केस के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही चीज़ें आपको बताएं। अगर वो सिर्फ आपका ढाढ़स देने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है कि मैं देख लूँगा, चिंता मत करो और मैं गारंटी दे रहा हूँ रिजल्ट की, तो ऐसे वकीलों से आपको सावधान रहना चाहिए। तीसरी टिप ये है कि आप किसी भी वकील के बड़े बड़े चैम्बर्स, उसके शानदार ऑफिस, उसका स्टाफ, उसकी बड़ी गाड़ी, उसके पीछे इंटर्न्स का झुंड, इन सब चीज़ों को देखकर इम्प्रेस ना हो। वह एक अच्छा वकील हो सकता है, नो डाउट, बट ही मे नॉट बी सूटेबल फॉर योर केस। हो सकता है वह बड़ा वकील कल को आप उसे फ़ोन करें तो आपके फ़ोन ही ना उठाएं, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करें, कोर्ट में तारीख पर खुद आने के बजाय हर बार किसी इंटर्न को या जूनियर एसोसिएट को भेज दे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मामलों में खुद बिजी है। फोर्थ टिप ये है कि आप किसी भी एडवोकेट को फेस टू फेस ज़रूर मिलें, जिसको भी आप एंगेज करना चाहते हैं। भले ही उसके मिलने की लीगल कंसल्टेशन फ़ीस हो, वो आप उसको पे करें और आप उससे मिलें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिलोगे तो आप उसकी पर्सनैलिटी को देख पाओगे, उसके कम्युनिकेशन को देख पाओगे, उसकी नॉलेज को जांच पाओगे, वो कितने ध्यान से पेशेंटली आपके केस को समझ रहा है, सुन रहा है, ये बात आप जज कर पाओगे। जब आप अपनी स्टोरी उसको सुना रहे हैं तो वो कितने इंटेलिजेंट और कितने डीप क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, ये भी आप समझ पाओगे। तो जो आधे पौने एक घंटे की मीटिंग आप उस एडवोकेट से करोगे, उस दौरान आपको उसके बहुत सारे पर्सनल कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारी उसकी प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा। आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद वो क्या आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रहा है कि इसके ये पता चल जाएगा, वो क्या फीस मांग रहा है, किस तरीके से मांग रहा है, उसके बोलचाल का तरीका क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसमें एरोगेंस तो नहीं है, क्या वो संवेदनशील व्यक्ति है या नहीं है, ये सब बातें आपको फेस टू फेस मीटिंग से ही पता चल सकती हैं। और मेरा ये पुख्ता यकीन है, मुझे इस बात पर विश्वास है, मेरा ट्रस्ट है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल डिसिप्लिन्ड इंसान ही एक अच्छा प्रोफेशनल एडवोकेट बन सकता है। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वकील की उम्र को ना देखते हुए उसकी योग्यता और उसके काम के प्रति जुनून को देखिए। कई एडवोकेट्स की उम्र 60 साल हो सकती है, 70 साल हो सकती है, पर हो सकता है कि वो किसी जॉब में हो, रिटायर होने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी और आप उनकी एज को देख के समझ रहे हो कि ये बहुत सीनियर, बहुत पुराने एडवोकेट हैं 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ। या अगर कोई एडवोकेट को सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है, परंतु हो सकता है कि उसकी योग्यता बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, उसका जुनून काम के प्रति बहुत अधिक हो। जितने भी बड़े बड़े वकील इस देश में हुए हैं, कभी तो वो भी फ्रेशर थे, कभी वो भी नए थे, तो उनके पास भी बड़े बड़े चैम्बर नहीं थे, हजारों किताबें उनके चैम्बर में नहीं सजी थी, किताबें दिमाग में सजी होनी चाहिए। तो आप कभी भी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के, एक्सटर्नल चीज़ों को देख के वकील की योग्यता और उसके काम के प्रति जुनून और ईमानदारी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। मेरी सिक्स टिप इस बारे में है कि इतने शानदार सूटेबल वकील को आप ढूंढोगे कहाँ से। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट से भी ढूंढते हैं लोग, अपने रिश्तेदारों दोस्तों से पूछते हैं, कोर्ट में वॉक इन भी कर लेते हैं, वहाँ की कैंटीन में जाके भी पूछते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक ट्रस्टेड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जिस भी तरह का मामला है, आपराधिक है या सिविल है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या व्हाटसोएवर इट में भी, तो आप उस मामले में जो निचली अदालत है जहाँ पर आपका मामला चलने वाला है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके उस अदालत में बैठिए 2-3 दिन लगातार। हर कोर्ट ओपन होती है, कोई भी लिटिगेंट बैठ सकता है, कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है और मामले की सुनवाई को सुन सकता है। तो जब आप उस कोर्ट में बैठोगे, आपराधिक मामला है तो आपराधिक कोर्ट में बैठ जाइए, पूछ के, सिविल नेचर मैटर है
तो वहाँ बैठ जाइए। चेक बाउंस से रिलेटेड मैटर है तो चेक बाउंस के स्पेशल कोर्ट रूम होते हैं, आप वहाँ बैठ जाइए। जब वहाँ एक दिन दो दिन आप बैठोगे पूरा और बहुत तरह के मामले उस तरह आपके सामने आएंगे, तो आपको पूरे एक दो दिन में एक दो तीन चार वकील ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनके बात करने के तरीके से, जज को समझाने के तरीके से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके व्यवहार से आप इम्प्रेस होगे। उनका दम कोर्ट रूम में सबको दिख रहा होगा। आप उनसे संपर्क साधिए और यही बेस्ट तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आपके यार दोस्त जो आपको वकील बताएं वो आपके केस के लिए सूटेबल वकील हो। उनकी नीयत सही हो सकती है पर जो सुझाव दें वो गलत हो सकता है। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीस की बात भी कर लेते हैं। तो मेरी 7th टिप फीस के बारे में है, और वो बात ये है कि आप जब 4-5 वकीलों से फ़ोन पे या कैसे भी मिलके उनकी फ़ीस पूछोगे तो आपको आपकी समस्या के हिसाब से एक रेंज पता चल जाएगी। किसी भी एडवोकेट की कोई फिक्स्ड फीस नहीं होती, हर व्यक्ति अपनी अलग फ़ीस लेता है, हर वकील अपनी अलग फ़ीस लेता है, परंतु आपको रेंज पता चल जाएगी कि मेरा मैटर लगभग समस्या इस लेवल की है और इसकी लगभग फ़ीस की रेंज इतनी है। उस रेंज के बीच का वकील आप कर लीजिए। जब आप एडवोकेट से मिलें तब जो एडवोकेट आपको ट्रांसपेरेंटली पूरी फ़ीस बताए, लिख के बताए, मेल पे डालने को भी तैयार हो और आपको कोई हिडन कोई चीज़ उसमें ना हो, आप भी उससे पूछ सकते हो कि सर इसमें कुछ भी हिडन मत रखिएगा, चाहे वो क्लेरिकल चार्जेज हैं, चाहे टाइपिंग चार्जेज हैं, ड्राफ्टिंग चार्जेज हैं, स्पीड पोस्ट चार्जेज हैं, फोटोकॉपी चार्जेज हैं, व्हाटएवर, हर तारीख पे कितना लोगे, तारीख पे मैं नहीं आया तो कितना लोगे, आप नहीं आए, व्हाटएवर इट मे बी। तो एक ट्रांसपेरेंट डीलिंग फीस की आप करिए, बिल्कुल खुल के अपने एडवोकेट से बात करिए। रेंज पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग मत करिए, क्योंकि अगर कोई वकील से बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करेगा तो वकील से अच्छा बारगेनर कोई नहीं होता। आपको बता दूं, वकील हर रोज़ कोर्ट में जज से बारगेन करके अपने फेवर में ऑर्डर लेते हैं। तो वकील को उसकी ड्यू फीस दीजिए, टाइम पे दीजिए, और एक सूटेबल एडवोकेट को अगर आप करेंगे तो आपका एक रीज़नेबल फीस में एक अच्छे व्यक्ति द्वारा अच्छा काम हो जाएगा। जय हिंद।